अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जनरल साइंस का स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर हमारी जिंदगी और कीमिया। इसका फर्स्ट टॉपिक है जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स। जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स में हम लोग तीन बुनियादी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो इसकी एंगेट में रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन जो कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एलिमेंट्स है और इसकी अर्थग्रस्त में मिकदार बहुत मामूली कम है, लेकिन इसकी जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ज्यादा मिकदार में एलिमेंट कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर लकड़ी, कुदरती गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह। कि कुदरती गैस में ये कार्बन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जैसे गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी वगैरह। इसका लाजमी जुज है कि जो हिस्सा है कार्बन का वो कुदरती गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह। इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स में, जिंदगी के बुनियादी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है पानी का, हाइड्रोजन अगर हम देखें तो ये पानी का एक एंड जुज कहलाता है। पानी कुदरती गैस में भी, कुदरती गैस में भी हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है। इसकी एग्जाम्पल हम देखें कि दैत्यों को सूरज में हाइड्रोजन पाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में होती है और ये कायनात में पाया जाने वाला ये भी ज्यादा मिकदार में एलिमेंट है क्योंकि इसका बुनियादी हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। थर्ड वन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम देखें जाए ये कैसा होता है, ये किस तरह की होती है, बेरंग और बेबू है और ये पानी में हल पजीर होती है। इसके कोई रंग नहीं है और कोई इसकी स्मेल नहीं है, लेकिन ये पानी में हल पजीर होती है और हवा में भी मौजूद होती है, जिसमें हम लोग सांस ले सकते हैं। हवा में भी पाया जाने वाला ये लाजमी जुज है और एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ऑक्सीजन बेरंग और बेबू की वजह से और पानी में हल पजीर होने की वजह से ये बात सामने आती है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि समुद्रों में पानी, समुद्र के पानी में अगर मछली है तो वो देखिए सांस ले रही है, इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हवा में, सॉरी पानी में हल पजीर है। इसके बाद ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत में हम देखें कि रिस्पायरेशन का अमल है और फोटोसिंथेसिस का अमल है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बुनियादी जिंदगी के तामीराती एलिमेंट्स में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस है। रिस्पायरेशन का अमल जो होता है कि ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, जो हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हासिल है। ग्लूकोज हम लोग खुराक के जरिए हासिल कर सकते हैं और ऑक्सीजन जो हमारे पास हवा में मौजूद है। तो यहाँ देखें कि ऑक्सीजन जो सेकेंड या थर्ड आप एलिमेंट से देखें ये इस्तेमाल हो रहा है और ग्लूकोज कार्बन इसे खुराक का एक एंड यूज है। तो ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फिजा में खारिज करते हैं और इसके साथ पानी की जो हिस्सा हमें हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं चाहिए होता कि जो वेस्ट पानी होता है वो हम उसका खजा कर देते हैं। एनर्जी हमें खुराक की सूरत में हासिल होती है ग्लूकोज के साथ। तो इस तरह इस अमल में, रिस्पायरेशन के अमल में हम देखते हैं कि बुनियादी जिंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स में से एक दो एलिमेंट फिर इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की अहमियत में रिस्पायरेशन का जो अमल है वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें हम लोग खुराक, ग्लूकोज, एनर्जी और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हासिल करते हैं। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस है, जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मदद से खुराक तैयार करते हैं। इसमें भी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ हम लोगों को यहाँ पर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने फजा में खारिज की थी, वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी की जरूरत होती है, जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल सब्ज रंग का मादा होता है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जिससे हमें हासिल होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल सब्ज मादे की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन हासिल होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी, खुराक की सूरत में मुहैया करती है। इसी तरह ये पौधों के लिए बेस्ट है और ऑक्सीजन भी पौधों को चाहिए होती है और पौधों से इंसानों तक के मुहैया की जा सकती है। फोटोसिंथेसिस अगर देखा जाए तो एनाबोलिक अमल है और रिस्पायरेशन अगर देखा जाए तो कैटाबोलिक अमल है। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक अमल इसलिए कि तामीरी अमल की तामीर आती करती है, बिल्डिंग करती है बॉडी की। तो एनाबोलिक अमल तामीरी अमल में इस तरह है कि हम लोगों को एनर्जी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। रिस्पायरेशन कैटाबोलिक यानी तकरीबी अमल है, जिसके टूट फूट से हम लोगों को चीज़ें हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी।
तो ये कार्बन जिंदगी के बुनियादी तीन एलिमेंट्स और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत में रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल है जो बिल्कुल थोड़ा सा बरक्स है और ये उल्ट है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे से उल्ट है।